इंस्पेक्टर भंडारी हियर। हाँ सर, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आपको कल तक मिल जाएगी। मिस्टर वर्मा, मुझे दो घंटे के अंदर अंदर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट चाहिए। पर सर छुट्टी पर है सर। इट्स नॉट माय हेडेक, इट्स योर हेडेक। आई वांट द रिपोर्ट इमीडिएटली, अंडरस्टैंड? यस सर। हेलो। ओहो, द ग्रेट सेंसेशनल रेनाउंड स्टार सुपरस्टार मेगा स्टार हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट मिस भावना, बोलिए कैसे याद किया? क्या हुक्म है इस नाचीज गुलाम के लिए? देखो अजय, ये मजाक का वक्त नहीं है, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। और मुझे तुमसे ज्यादा जरूरी बात करनी है जो फोन पे नहीं हो सकती। ऐसी बात है तो फिर जल्दी से आ जाओ। जल्दी से आ जाऊं? ओ डोंट वरी स्वीट हार्ट, बस यूं आया जैसे समझो स्विच ऑन करते ही तार में बिजली का करंट। चलिए मिस्टर अजय कुमार, लगता है आपका मामला फिट हो गया, अब लगे हाथ अपनी बात भी फिट ही कर डाली। धीरज रखिए मेहता साहब, मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं उन दरिंदों को सजा दिलाकर ही रहूंगी। किसी का भी खौफ मुझे मेरे कर्तव्य से नहीं हिला सकता, मुझ पर भरोसा रखिए। मुझे आपसे यही उम्मीद थी वकील साहिबा, आपका यह एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। तो तू नहीं बताएगा हुँ? सच सच बता दे वरना जहन्नुम पहुंचा दूं। मैं सच कह रहा हूं सरकार, मैंने कुछ नहीं किया, मुझ पर यकीन कीजिए सरकार, मेरे साथ। कल रात परसी की दलाली किससे ली थी? परसी को क्या हुआ? उसका खून हो गया है। परसी का खून हो गया? ये डार्लिंग, तुमको चिंता नहीं करने का, तुमको दो दिन में गाड़ी जरूर मिल जाएगा। हम जो बोलता है वो करके दिखाता है। तुम कितना अच्छा है सेठ। और तुमको भी शॉपिंग कराने के लिए जरूर सिंगापुर लेके जाएगा। सो नाइस। लीजिए बात कीजिए। हेलो। हेलो सर, मैं इंस्पेक्टर भंडारी बोल रहा हूँ। क्या बात है भंडारी? सर मैं ये जानना चाहता था कि आप किसी सुरेश सेठ को जानते हैं? ओफो, ये जानने के लिए तुमने मुझे आधी रात को फोन किया है। क्या कल रात वो आपके साथ थे? हाँ हाँ भाई, मेरे साथ थे और मैंने सुबह 4 बजे उसे ड्रॉप किया था। क्या हुआ उसे? नहीं कुछ नहीं, ऐसी कुछ इंक्वायरी करनी थी। आई एम वेरी सॉरी फॉर दिस लेट डिस्टर्बेंस सर। इट्स ऑल राइट। थैंक यू सर। आइंदा दरवाजे पर दस्तक देना ना भूलना इंस्पेक्टर, वरना किसी दिन ये वर्दी खो बैठोगे। और हाँ, ये लॉकेट अच्छा लगे तो रख लेना। ये लॉकेट बहुत हल्का है सेठ। खुशकिस्मत हो गया आज कमिश्नर साहब को तुमने अपनी ढाल बना लिया, वरना तुम्हें इससे कहीं भारी जेवर पहनाकर तुम्हारी इस रंगीन रात को काली रात में बदल देता मैं। सारा मजा किरकिरा कर दिया कमबख्त ने। क्या आप मुझे लिफ्ट दे सकते हैं प्लीज? थैंक्स। एक दरिंदा सारे शहर में बड़े आराम से कत्ल करता जा रहा है और हमारा डिपार्टमेंट कुछ भी नहीं कर पा रहा, बड़े शर्म की बात है। सर हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। बात को कीजिए। सोच लिया रघु, टोनी जाओ उस कमबख्त लड़की को मेरा फैसला सुना दो। ओके बॉस। अब पता चलेगा भटकर सेठ से टकराने का अंजाम। नमस्ते माँ जी। अरे अजय बेटा। बैठिए ना माँ जी। बैठो बेटा, कैसे हो, कैसी चल रही है तुम्हारी डॉक्टरी? बस आपका आशीर्वाद है माँ जी। भावना कहीं दिखाई नहीं दे रही? भावना अभी तक आई ही कहाँ है, बस सारा दिन कोर्ट कचहरी के चक्कर में लगी रहती है। मेरी मानो बेटा, तो अब तुम शादी कर ही डालो जल्दी से, ताकि मुझे भी छुटकारा मिले।
अजय क्या सोच रहे हो बेटे? कुछ नहीं, वो भावना। क्या हुआ भावना को? नहीं, वो भावना कल रात उसने मेरा बहुत इंतजार किया लेकिन मैं नहीं आ सका तो नाराज होकर वो चली गई, और देखिए ना सुबह से अब तक उसने मुझे एक फोन भी नहीं किया। अच्छा, तो इसीलिए परेशान हो? आती होगी, मना लेना बाबा, मैं तुम्हारे लिए चाय बना कर लाती हूँ। लेकिन वो रह कहाँ गई?